वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइज आज है नवरात्रि डे 4। हाय करो। सो गाइज नोना हमसे आते ही मतलब सुबह उठते ही सबसे जय कराती है। गुनू ने पूजा कर दी थी सुबह उठ के ही। नोना जय करा आपने? जय करा, ये देखो। और सबको ना ऐसे बोलती है कि माथा टेको यहाँ पे। चलो नोना जय करो। मम्मा भी करे, मम्मा भी कर रही है। चलो जय, आप भी करो। गुनू को करिए, तू कर, जय कर। चल सो गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं उठी थी, वीडियो बनाई थोड़ी सी अपनी, जो सूट्स वगैरह की बनानी थी। और अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो भूख लग रही है बहुत तेज। पहले चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो रहा है जी हमारा 1 बजे 2 बजे, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आप लोगों से। अभी नहा के आ गया और कितना चौड़ा लग रहा है। मम्मा को किची करो पहले, मम्मा को किची करो पहले, किची कर दो, किची कर दो ना, इसको नीचे उतारना। अच्छा उतार रही, रुक जाओ उतार रही। मेरी माँ ले जा, बाय। थोड़ी देर में मैं भी नहाऊंगी पानी। एक तो इतना ठंडा आने लगा ना, नहाने का मन नहीं करता। ब्रेकफास्ट गाइस हमारा हो गया था, उसके बाद हम नहाए। आज मैं घर में ही हूँ, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। वीडियोस वगैरह बनाऊंगी और आज आपको मैं दिखाऊंगी मैं पूरे दिन घर में पड़े हुए क्या करती हूँ। हो गई है शाम और मैंने धो लिया मुँह हाथ। नहाने का मेरा मन नहीं कर रहा है यार। आज ना मेरा मूड पता नहीं कैसा हो रहा है, अपने आप ही ना काफ़ी स्विंग हो रहा है। मॉइस्चराइजर मैंने अपने फेस पे अप्लाई करा है अभी, फॉक्स टेल का लगाया था गाइज। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर एक बार आपको दिखाऊँ ना सो आप लोग भी कहोगे यार क्या है ये सब। वैसे एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी पड़े हुए हैं जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। किसी के पूछा हो रही है बट यू ऑल नो गाइस कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप नहीं आता, टुचमुच आता है, तो मैं कर लेती हूँ। बट मेरे साथ पहले इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि अब मुझे खुद ही पोतने पड़ते हैं। पहले तो मैं शेयर कर लेती थी बट अब आपको भी पता है आई डोंट हैव फ्रेंड्स एंड ऑल, तो फिर अब मैं सब चीज़ें अपनी खुद ही यूज़ करती हूँ। तो कितनी चीज़ें कहाँ तक यूज़ करूँ, क्योंकि मेरा ना तो कोई दोस्त है, एक ही दोस्त है मेरी मिट्टू। वैसे अब आप लोग बोलोगे दीदी आप ऐसे बोल रहे हो, आपकी क्या मिट्टू फ्रेंड नहीं है? नहीं बस मेरी एक ही फ्रेंड है यार, मिट्टू है बस, और तो कोई मेरी फ्रेंड है नहीं। पता नहीं लोगों को गाइस मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आज भी मेरा मूड ना काफ़ी स्विंग हो रहा है, क्योंकि कई बार मैं ना हैप्पी रहने की कोशिश करती हूँ बट कुछ लोग मुझे मतलब कुछ लोगों को मेरी खुशी हजम नहीं होती, स्पेशली मेरी। और आई थिंक कि मुझे लगता है मेरी इतनी एज में ना, आई एम ओनली 21, लगती नहीं हूँ आई नो, बट 21 की एज में भगवान इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी टेंशन किसी को भी ना दे जितनी मेरे को है ना। मेरे को एनी टाइम दिमाग में इतनी टेंशन रहती है और कई बार तो मैं शेयर भी नहीं करती। अब ये व्लॉग मम्मी देखेगी ना तो उसके बाद पक्का मुझसे पूछेंगे ये क्या हुआ, क्यों बोल रही है। तो पहले मैं इसको गीला करके आती हूँ, सूख के फिर आ गई हूँ मैं। पहले फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और वेरी श्योर कि जब मम्मी ये व्लॉग देखेगी ना तो कहेगी ऐसे क्यों बोल रही थी, बता क्या हुआ है। क्योंकि अब मैं ना बहुत सारी चीज़ें लोगों से घर में भी इनफैक्ट मम्मी से भी शेयर नहीं करती। मैं सोचती हूँ चल मैं ही इतनी स्ट्रेस्ड हूँ तो दूसरे को क्यों स्ट्रेस्ड करूँ, मतलब मम्मी को भी क्यों स्ट्रेस करूँ। तो इस वजह से मैं मम्मी को भी बताती नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ें। बट कोई नहीं, लाइफ में सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई थोड़ा लेट देखता है, कोई थोड़ा जल्दी देखता है ना गाइस। आप लोग भी सोच रहे हो कि क्या बखी जा रही है बट हाँ आई थिंक जो कि मुझे दुखी करने वाले और मुझे स्ट्रेस देने वाले भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे, देखते क्या होंगे, देखते ही होंगे इसमें भी आई एम वेरी श्योर। क्योंकि कई लोगों को मैं पसंद भी नहीं हूँ एंड मुझे देखे बिना उन्हें चैन भी नहीं पड़ता, सब्सक्राइब भी नहीं करते होंगे, फॉलो भी नहीं करते होंगे, ब्लॉक रखते होंगे बट अनब्लॉक कर करके मेरी प्रोफाइल ज़रूर विजिट करते होंगे। इतना प्रेम मुझसे मेरे अपने नहीं करते जितना मेरे दुश्मन करते हैं मुझसे। सो चलो गाइस आप सोच रहे होगे क्या ये अजीबोगरीब बातें कर रही हूँ मैं। चलो मैं रेडी हो लेती हूँ, मेरा माइंड तो ऐसे ही चलता रहता है बट हाँ मेरा भी ये काम है गाइस, ये जो आप देखते हो सूट वगैरह ये करना, हर तरह का हर किसी का एक बिजनेस होता है। अब कुछ लोग इसे कहते हैं कि नाच के कमाती है या कुछ भी करती है, बहुत चीज़ों से तो अच्छा ही है। वीडियो बनाने वाली लड़कियों को बहुत लोग बहुत सारे कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैं आपको बता दूँ वीडियो बनाना कहीं तक भी गलत नहीं है, कोई भी लड़की वीडियो बनाती है ना तो कहीं तक भी गलत नहीं है, बनाओ लड़कियों। ये जालिम दुनिया का तो काम है हर चीज़ में कमियाँ निकालना। जॉब पे जाओगे तब बोलेंगे, वीडियो बनाओगे तब बोलेंगे, तो बनाओ दबके
चलो मैं रेडी हो जाऊँ, मेरी बातें तो मैं हो गई हूँ प्रॉपर रेडी बिना नहाए वीडियोस बनाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये सूट सा मेरा और ये चूड़ा मैंने, और ये दोनों मेरे वो हैं क्या कहते हैं मेंबर्स मेरी टीम के। मैं वीडियोस बनाती हूँ, कोलैब करती हूँ, फिर बैक टू बैक ये तय बनाते हैं, फिर मैं कपड़े बदलती हूँ, फिर ये तय बनाते हैं। और मैंने पहनने के लिए एक तो गाइस देखो बीना आंटी तो मेरे से खरीद लेती है सूट उन्हें जो भी खरीदने होते हैं। और रही बात मम्मी की, तो भाई मम्मी को मेरा साइज आता ही नहीं, तो मम्मी कहाँ से करेंगी। और बीना आंटी तो मेरी रेगुलर कस्टमर है ही, मतलब डिस्काउंट दे देती हूँ वैसे मैंने गाइस ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, और मतलब तय बनाते बनाते इन्हें जो पसंद आता है ये परचेज कर लेती है भाई। और ये दूसरी रही मम्मी की बात, तो मम्मी कह रही है मैं चैलेंज लेती हूँ, प्रण लेती हूँ कि मैं इतनी पतली होऊंगी एक दिन और पहनूंगी। जगत को रील बनाने और ये आए थे मुझे लेने, और गुन्नू बनवा रही है वशु से अपना हेयर स्टाइल, और इसके भी ड्रामे देखो आप लोगों को। लास्ट टाइम भी बहुत क्यूट लगी थी, जब ये ऐसे सैड होके खड़ी हो जाती है, मैं आपको भी फिर दिखाऊंगी, देखना कैसे सैड होने वाली है ये। मम्मी पैसे ले लेंगे, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, मारा नहीं, मारा मारा तो नहीं है किसी ने, ओ बेबी क्यों सैड हो रहे हो, मुंह भी बोल रही है, क्या हुआ, आंसू दिखाना, ले लो आंसू निकल रहे हैं, दे दो उसके पास में, ले लो फिर तो ले, थैंक यू। अब जाके मंदिर में रख के आएगी, मतलब इसको ये पैसे मंदिर में रखनी है। देखो भाई तुम्हारा कई पैसे, बहुत समझदार है। मैं जा रही हूँ जगतपुर वीडियो बनाने, क्योंकि ना बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हो अलमारी के आगे भी कहीं वीडियो बना लो अलमारी इसे चेंज करके। सो ये देखो अब ये दोनों सूट और बैग वगैरह पकड़ रखे हैं, और इयर रिंग्स चप्पल, क्योंकि मैं बार बार चेंज करके बनाऊंगी चूड़ा वगैरह सब कुछ। मेरी फर्स्ट आउटफिट में वीडियो बन गई है, और आज ये पॉलिश हुई थी बट गलती से माई मिस्टेक हो गई है पॉलिश खराब, क्योंकि अंदर वाले में करना नहीं था, पर जो भैया थे उन्होंने अंदर वाले में भी कर दिया। अब कल इसको फिर ठीक कराना पड़ेगा, ऐसे होना था बार बार, उन्होंने गलती से अंदर भी भर दिया, अब कल ठीक होगा। यहाँ तो हो गई है, सो चलो आउटफिट चेंज करके आते हैं। फर्स्ट आउटफिट में वीडियोस बन चुकी हैं, और ये यहाँ पे जिम कर रही है, चल हो गई तेरी जिम, आ जा। ये पूरी एक्टिंग में रहती है एनी टाइम, आज स्कूल भी नहीं गई। लगाने के बाद मैं कुछ इस तरीके से वापस जाती हूँ सूट इस तरीके से हाथ में भर के, और फिर घर जाके मम्मी से तय बनवाती हूँ। और इसको भी फीवर हो रहा है, दवाई दिला ला ना इसको भी। चलो चलो तो गाड़ी तो स्टार्ट करो। सो गाइस चलो, और ये वाला सूट मैंने अब तीसरा पहना था, बट ये मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि मैं फिर से लोअर टी शर्ट नहीं लाई, तो इसी पहन के जा रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं इसको मेरी हर चीज़ से वही है, कुछ भी मैं पहनूंगी तो पता है कि अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। आगे घर और घर आते मैंने सबसे पहले किया चेंज, फिर खाना खाया, हाँ बेटा, और उसके बाद ना मेरे अच्छा कैरी खिलाने के लिए मम्मी ने हलवा बनाया था, पूजा मामी के लिए बनाया होगा शायद, तो हमें भी दिया है, तो मैं खिला रही हूँ अपने कीकू को। अगर इस कीकू को ना यहाँ पर पता नहीं वाइट वाइट क्या गया, मम्मी तो मामी के बेबी को देखने गई है, आएंगी तो दिखाऊंगी, पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि छाला हो गया, पता नहीं इसने खुद अपना दांत काट लिया। मैं आपको बता भी मेरे को इतना रोना आ गया था ऐसी किसी बात पे, मम्मी मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाता, इसलिए अब ले जाता नहीं यार, डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठंड अभी आई नहीं है, मुझे डैंड्रफ पहले से हो गया, आप लोग बताना कुछ सॉल्यूशन। लो बेटा लो, ये देखो कैचे खाता है गंदू, जब फिर फोन ले लेगी मम्मा, वेरी गुड। चलो गाइस हलवा खिला दूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जय कर क्या हो, जल्दी जाओ माता जी को, जय कर क्या हो, जल्दी जय किया आपने, मम्मा के हाथ पे किच्ची कर दो, करो अपनी मस्ती। रोना पागल है मम्मा, पता नहीं क्या बोलती है। तो गाइस अभी बच रहे रात के 2, सब सो गए, रोना भी सो गई है, और मैं ये वाला ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये छोटा सा मिनी ब्लॉग ही रहने वाला है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, फिर बच गए ऑलमोस्ट। तो चलो मिलते हैं आपसे कल, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा नेक्स्ट। फिलहाल के लिए गुड नाइट गाइस, टाटा बाय बाय, लव यू। आज ये वाला मिनी ब्लॉग एंजॉय करो, कल मिलते हैं आपसे एक हटके ब्लॉग के साथ।